कानपुर में घर घर सुनी जा रही विकास दुबे की कहानी, क्या बिकरू पार्ट टू की हो रही तैयारी? जब ब्राह्मण परिवार हो रहा था तबाह, नाच रही थी डीएम साहिबा, सुरक्षा में खड़े थे एसपी साहब, 60 सेकंड की देरी से मचा बवाल, ये गलती ना करता प्रशासन तो माँ बेटे की बच जाती जान। कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार के घर पर बुलडोजर चला तो कुछ लोग विकास दुबे की कहानी दोबारा सुनने लगे। बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे ने जो किया उसका अंजाम क्या हुआ सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दावे किए जा रहे हैं कि योगी राज में बिकरू पार्ट टू की तैयारी हो रही है। हम आपको पूरी कहानी तफसील से समझाएं, उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये है कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन, जिन्हें डांस करने का इतना शौक है कि 12 फरवरी को जब कानपुर महोत्सव हुआ तो कैलाश खेर के गाने पर ये खुद ही जुम्बा डांस करने लगी। मतलब इनके पास वक्त की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब मडौली गांव की माँ बेटी इनसे मिलने पहुंची तो उन्होंने कहा टाइम नहीं है। आज उस माँ बेटी की मौत के बाद मडौली गांव में पुलिस प्रशासन का तांता लगा है। कानपुर से कमिश्नर साहब तक पहुंच गए, सीएम योगी के फोन के बाद राज्य मंत्री भी पहुंच गए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि डीएम साहिबा आपके साथ क्यों नहीं आई, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। इतनी बड़ी घटना हुई, डीएम मौके पे नहीं आई। अब ये देखिए, हम क्या बता सकते हैं डीएम के लिए। हम पहले कह रहे हैं कि वो कैसे आ सकते भाई, ये तो हम क्या कह सकते हैं डीएम के लिए। हम तो यही कह सकते हैं कि डीएम गलती फील कर रही होगी तभी नहीं आई। जिसकी गलती नहीं होती वो तो आते ही आता है। मंत्री जी, मानवी डांस जरूरी है, इसी घटनाओं को मौके पे पहुंचना जरूरी है। ऐसी आज तो कोई महोत्सव खत्म हो चुका है ना। खैर, ये तो इस कांड का पहला अध्याय था, जबकि दूसरा अध्याय ये है कि ब्राह्मणों का विरोध करने वाली कांग्रेस, सपा और बसपा सब इस पर जाति की राजनीति करने लगे और यहीं से सियासी बिकरू पार्ट टू की कहानी की शुरुआत हो सकती है। योगी की पुलिस का जैसा खौफ है और बुलडोजर की जो पॉलिसी है उससे कोई माफिया बनने की हिम्मत तो नहीं कर पाएगा। ऐसे में जितने ब्राह्मण है वो अगर एकजुट हुए तो वोट के जरिए बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। यूपी में करीब 12 फीसदी ब्राह्मण वोटर्स हैं। 403 में से 60 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में हैं और उनमें से ज्यादातर पर बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में जब योगी बाबा पहली बार सीएम बने तो उनके 312 में से 58 विधायक ब्राह्मण थे। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बने थे और 9 ब्राह्मण मंत्री भी बने थे। 2022 के चुनाव में भी लगभग ऐसी कहानी दोहराई गई और चूंकि इस कांड के बाद से बड़ा नुकसान हो सकता था इसलिए इसकी जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को सौंपी गई। उन्होंने घटना के तुरंत बाद पीड़ितों से वीडियो कॉल पर बातचीत की। कुछ लोग इसे सिंपैथी बता रहे हैं, पर शायद वो ये भूल रहे हैं कि हमारे देश में सिंपैथी पॉलिटिक्स का भी एक इतिहास रहा है। किसी भी इलाके का कोई बड़ा क्रिमिनल अगर मारा जाता है और उसके पास अगर वोट बैंक हो तो नेताओं का तांता उसके यहाँ भी लगने लगता है। आप में से कई लोगों ने भी ये देखा होगा। पहले तो ये तक होता था कि पुलिस तभी जागती थी जब घटना को अंजाम दे दिया जाता था, लेकिन कानपुर के मडौली गांव में कहानी उल्टी हो गई। वहां गांव के ये गौरव दीक्षित ने पुलिस को शिकायत दी कि फला ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। जब नोटिस मिला तो पीड़ित परिवार एसडीएम साहब के पास भी पहुंचा, लेकिन उन्होंने इस परिवार को भी भूमाफिया बता दिया और बाद में एसडीएम साहब ही बुलडोजर लेकर घर गिराने पहुंच गए। पुलिस वालों का दावा है कि माँ बेटी ने खुद को घर में बंद कर लिया और खुद ही घटना को अंजाम दिया, जबकि गांव वालों का कहना है कि पुलिस ने लापरवाही की। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर बुलडोजर चलाना इतना ही जरूरी था तो फिर माँ बेटी को घर से निकाला क्यों नहीं? क्या ये काम 60 सेकंड के भीतर नहीं हो सकता था? कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारी बुलडोजर के नाम पर मनमानी करने लगे हैं, ऐसे में इन पर कार्रवाई जरूरी है। इस कांड में एसडीएम से लेकर लेखपाल तक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सवाल उनके पकड़े जाने से ज्यादा इस बात का है कि बाबा के बुलडोजर को कुछ अधिकारियों ने बदनाम करने का बीड़ा क्यों उठा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।